नमस्ते, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके पेन को रिड्यूस करने के लिए कब हमें आइस पैक अप्लाई करना चाहिए और कब हमें हॉट पैक अप्लाई करना चाहिए। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये हमेशा डाउट रहता है कि उनके पेन को रिड्यूस करने के लिए वो आइस पैक अप्लाई करें या फिर हॉट पैक, कौन सा ज़्यादा इसमें बेनिफिशियल है। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको आइस कब अप्लाई करना चाहिए और कैसे करना है। आइस या कोल्ड कंप्रेशन की अगर हम बात करें तो आइस या कोल्ड कंप्रेशन हमेशा एक्यूट या फ्रेश पेन या इंजरी को कम करने के लिए किया जाता है जो कि 72 घंटे से ज़्यादा पुरानी ना हो। तो ऐसी कंडीशन में आपको हमेशा आइस अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा यदि आपके जॉइंट या मसल पे स्वेलिंग है या रेडनेस है या इंजर्ड एरिया वार्म है, हॉट है, तो ऐसी कंडीशन में भी हमेशा आपको आइस ही अप्लाई करना चाहिए। इसके साथ ही अगर एक्सरसाइज के बाद होने वाला मसल पेन या मसल सोरनेस को रिड्यूस करने के लिए भी आपको आइस ही अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी क्रोनिक ओवरयूज़ इंजरीज होती हैं, क्रोनिक यानी कि बहुत पुरानी ओवरयूज़ इंजरीज होती हैं, उनमें भी आइस कंप्रेशन ही किया जा सकता है। जैसे कि मसल स्पाज्म हो गया, टेंडिनाइटिस हो गया, मसल स्ट्रेन हो गया, लिगामेंट स्प्रेन, टेनिस एल्बो, शिन पेन या गोल्फर सेल्बो जैसी कंडीशन में भी आइस एप्लीकेशन से बहुत बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं। आइस अप्लाई करने से उस एरिया पर ब्लड का फ्लो लिमिट हो जाता है यानी कि कम हो जाता है एंड वहां का इन्फ्लामेशन कम हो जाता है जिससे आपका पेन भी कम हो जाता है। अब हम जान लेते हैं आइस को अप्लाई करने का तरीका। इसको अप्लाई करने के लिए आप आइस पैक्स यूज कर सकते हैं जो कि बिल्कुल इजी टू यूज होते हैं एंड मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। आप डायरेक्टली फ्रीज़र में से निकाल के इनको इन्वॉल्व एरिया पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आइस बैग्स भी अवेलेबल होते हैं, इनमें या तो आप कोल्ड वाटर या आइस क्यूब्स डाल के फिल करके इनको आप कोल्ड पैक के रूप में यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कितनी देर तक हमें आइस अप्लाई करना है। यूजुअली 15 से 20 मिनट हम आइस अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये टाइम डिपेंड कर सकता है आपके ट्रीटमेंट एरिया पे और टिश्यू के बल्क पे। आइस अप्लाई करने से आपको उस एरिया में इचिंग, बर्निंग या नमनेस हो सकती है यानी कि सूनापन आ सकता है। जब नमनेस होने लग जाए तो आपको आइस करना स्टॉप कर देना है, या तो वहाँ से बैग हटा लेना है आइस बैग, या उसकी लोकेशन चेंज कर देनी है। अब हम बात करते हैं कहाँ और कब हमें आइस नहीं करना है। स्पेशली उस एरिया में जो कि नंब है या सेंसेशन पूरी तरह से लॉस्ट हैं, ऐसे एरिया में हमें आइस करने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर सेंसेशन फील नहीं होगा तो आइस ओवर आइसिंग से बर्न हो सकता है। दूसरा, ऐसे लोग जो कोल्ड के प्रति हाइपर सेंसिटिव हैं, ऐसे लोगों में भी आइसिंग करने से बचना चाहिए या प्रिकॉशंस के साथ में यूज़ करें। साथ ही डायबिटिक पेशेंट्स में भी आपको प्रिकॉशंस के साथ में आइस अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हीट एप्लीकेशन या हॉट पैक हम कब अप्लाई करते हैं। यूजुअली हॉट पैक हम क्रोनिक पेन यानी कि कोई पुराना दर्द, जैसे कि बहुत पुराना मसल स्पाज्म, जॉइंट टाइटनेस, मसल टाइटनेस या इम्पेड रेंज ऑफ मोशन है, तो ऐसी कंडीशन में हम हॉट पैक अप्लाई कर सकते हैं। हॉट एप्लीकेशन करने से वहाँ पर वेसल्स का डायलेशन होता है, ब्लड का फ्लो इंक्रीज होता है और वहाँ के टिश्यूज़ को एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड होता है जो कि हीलिंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं एंड मसल रिलैक्स होती हैं और पेन रिड्यूस होता है। अब हम बात करते हैं कि हॉट कंप्रेशन करना कैसे है। हॉट कंप्रेशन करने के लिए मार्केट में कई तरीके के हॉट पैक्स, हॉट वाटर बैग्स अवेलेबल होते हैं जो बिल्कुल इजी टू यूज़ हैं और आप आसानी से अफेक्टेड एरिया पे अप्लाई कर सकते हैं। यूजुअली 15 से 20 मिनट हमें हॉट कंप्रेशन करना होता है और दिन में 2 से 3 बार हम ये कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हॉट पैक हमें कब यूज़ नहीं करना है। तो हॉट पैक ये हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी एक्यूट इंजरी या एक्यूट पेन हो उसमें हमें हॉट पैक्स अप्लाई नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ऐसे एरिया जहाँ जो नम है या सेंसेशन लॉस हैं, ऐसे एरिया में भी आइस पैक नहीं अप्लाई करना चाहिए। साथ ही अगर किसी जॉइंट या मसल में
स्वेलिंग है, रेडनेस है या एरिया ऑलरेडी हॉट है, तो वहाँ पे हॉट पैक अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि कब आपको आइस अप्लाई करना है और कब आपको हॉट पैक्स अप्लाई करना है। लेकिन फिर भी अगर डाउट रहता है तो आप आइस कंप्रेशन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।